क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। ये कौन थे, ये पोगबा जनाब थे क्या जो अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलना नहीं चाहते? नाम क्या है इनका जनाब का, पोगबा? He's Paul. We, I just call him Paul. Paul is Paul, here to Paul. Celebrate our birthday today. Paul, who's very small. And he's playing with the ball. LOL. Well, dad jokes. I said, so we've gathered here today because it's a very special day in the calendar, and those of us who believe in Najkal, you know, हम लोग क्या करने वाले हैं, अप्रैल 5 को 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती जलाने वाले हैं ताकि हम कोरोना वायरस आसानी से डिफीट कर सकें। तो इस क्योंकि हम इतने न्यूमरोलॉजिकली इंक्लाइंड हैं तो हमें लगा कि आज हमें भी कुछ करना चाहिए टू डिफीट द कर्स ऑफ लो व्यूज फॉर एवर एंड एवर। भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इस वीडियो को मिलने 567 व्यूज। चलो ठीक है, लिसन, अगर आइडियली इफ दिस गेट्स 420 व्यूज वी आर सॉर्टेड। ऑलराइट, वी कैप इट आफ्टर दैट, वी कैप, टेक इट ऑफ, इफ इट गेट्स 421 व्यूज देन वी विल चेंज वेबर्स नेम फॉर द नेक्स्ट 3 शोज दैट वी डू। ठीक है, ठीक है, लाइक यू डिसाइड बाय द एंड ऑफ द शो व्हाट हिज नेम इज गोना बी। Fair enough, but okay. This is a super exclusive show, man. It's only for the first 420 listeners, viewers. Yes, we tune in. We also got like 2 special guests for this, like Sadaji and Paul Pogba himself. Paul Chopra, not Paul Pogba. Which Paul is also kind of cool because Pogba is not the first World Cup winner, by the way, to be on the show. तो आधे से लोगों को पता नहीं होगा। हाँ, तो एक जेंटलमैन है बिसेंटे लिजारजू करके जो काफी मतलब क्या बात है, सब कुछ जीत चुके हैं, यूरोपियन चैंपियनशिप जीत चुके हैं, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, हमारे दिल जीत चुके हैं, हमारा पैर पैर भी छू लिया हमने उनके, आशीर्वाद ले लिया। और जब से हमने लिया था तब से मतलब काफी हमारे शो के जो क्या कहते हैं परिणाम है या जो हालात है वो बिल्कुल भी नहीं बदले। तो उम्मीद ये है कि आज, क्योंकि आज 4/4/2020 है तो कुछ गुड लक होगा इस दिन में हमारे लिए, तो इसलिए आज ये खास प्रस्तुति लाए हैं हम आपके लिए। जब हम बात करेंगे बेसिकली ये शो कहाँ से आया है। और जनाब आप पहले ये बताइए आपकी इतनी हिंदी इतनी अच्छी कहाँ से, आप कौन से स्कूल पे गए हैं, आप कोई हिंदी मीडियम स्कूल पे गए हैं, पब्लिक स्कूल पे गए हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए हैं? सब सारे स्कूल में गए हैं, ये रशिया में भी स्कूल में किस्म के। एक्चुअली पहला मेरा स्कूल था वो पंजाबी मीडियम था। क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट स्क्रिप्ट दैट आई लर्नड वाज गुरमुखी, नॉट इंग्लिश और हिंदी। तो वहां पे सही है, अब आप सिस्टम पे जब वार करेंगे तो गुड़मुखी में करिएगा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल 100% हमारे एक्चुअली हॉटबेड उस टाइम पे तो स्पेशली 80s में तो हॉटबेड होता था पंजाब इंडियन फुटबॉल का, और नेशनल टीम के काफ़ी खिलाड़ी होते थे, क्लब्स होते थे, BSF वगैरह जो काफ़ी जाने माने JCT में सच लाइक। हरदीप सांगा एक प्लेयर होते थे, लंबे से थे वो, थे 6 feet 2 inches के भाई साहब, उनकी कद थी लंबी और उनका स्ट्राइक उतना ही लंबा। और जब आप JCT को आप देख, और पहले JCT नहीं होती थी वो, पहली बार उसको बुलाते थे JST, जैसे यहाँ पे पंजाब पुलिस नहीं होती, पंजाब पुल्स होती है, पुल्स। JST को आप देखने जाते थे ना, हरदीप सांगा के जो स्ट्राइड्स है ना जनाब, अलोंग विद स्टीफन, हु हैव ऑलवेज मेंटेन्ड, वी मेंटेन्ड थ्रू आउट आवर शोस, वन ऑफ द बेस्ट फॉरनर्स टू कम एंड प्ले इन इंडिया, हरदीप सांगा के स्ट्राइड मिडिल से वो शुरू करता था ना, फ्रॉम द मिडिल ऑफ द पार्क, उसको मैंने अम्बेडकर में देखा था, और वो बूम पावर पर निकलता था भाई, अलग ही मजा था यार उस टाइम की JST टीम देखने को। एंड इट्स अ रियल सैड डिमाइज बिकॉज यू नो दैट यूज्ड टू प्रेजेंट अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक टू इंडियन फुटबॉल, कि अभी जो आप तो दिख रहा है वो लंबे चौड़े, एंड दे यूज्ड टू प्ले ऑन दैट स्ट्रेंथ, लंबी मार, थ्रो लंबी ले और बॉल को होल्ड कर और भाग आगे पावर पे। सॉरी फॉर डाइग्रेसिंग, बट नो नॉट एट ऑल, दिस इज व्हाट दिस कन्वर्सेशन इज ऑल अबाउट टुडे, इट्स ऑल अबाउट डाइग्रेशन एंड ऑल अबाउट। इनफैक्ट जो लोग आजकल द इंग्लिश गेम देख रहे हो, शायद नेटफ्लिक्स पे जो नया एपिसोड आया है,
which is essentially about mill workers, a team of mill workers in the 1879, if I'm not wrong, FA Cup. And just talking about how working class movements influenced the game of football and how clubs and professional football took off from there. Of course, the series itself is... but it's interesting for... but it's an interesting parallel because in the Hindustan maybe like JCT is Jagajit Cotton Textile, this is textile, one of the largest textile. GST. Yeah. So throughout the history of football in this country, the sport has been supported or sort of backed by very strong connect with the working class and with working class people. Mm. And also the which brings us to a bunch of, I suppose, which brings you to socialism, I guess. And now we will all gently exit and Siddhant will. वैसे एक बात बता दूं जो अभी 420 ग्राम देख रहे हैं देखो जी हमारा जो भाई है ना सिद्धांत बहुत प्यारा भाई है अपना ठीक है जी पहली बात ये बता दूं और जो रेगुलर व्यू है इस शो के आप कमेंट्स में बताइए कि आपने कितनी बारी देखा है शो पे कि हम ए की बात कर रहे हैं और भाई सोशलिज्म पे भाग जाते हैं हम बी की बात कर रहे हैं और भाई फिर सोशलिज्म पे भाग जाते हैं अगर आपको ऐसे कुछ मुद्दे याद हैं तो कमेंट्स में डालिए और बताइए पर आप ये याद रखिए कि जो भाई हमें जो डायरेक्शन देता है वो और कोई देता नहीं है तो वो वैल्यू वाली बात है भाई ये बहुत बड़ी वैल्यूएबल चीज है और कोई नहीं जा पाता उस जगह पे मानने वाली बात है सही है तो इसी वैल्यूएबल मतलब सोशलिज्म वाले सब्जेक्ट पे तालियां तो मार दो यार कोई थैंक यू सो एनीवे सो ऑन दिस इंपॉर्टेंट नोट ऑफ सोशलिज्म वन बिट ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़ हैज कम फ्रॉम स्पेन व्हिच आई मस्ट रीड आउट फॉर यू गाइस इट्स कम कर्टसी one of our daddies. So it says basically the Spanish king, because these days we're all in some sort of quarantine, either self-imposed or otherwise. The Spanish king has been quarantined on his private jet, which means the rain in Spain will stay mainly on the plane. Sorry, it's the third time, you know, because we do this sometimes where we don't manage to shoot in one take. So this is the third time I've read the joke and it's still funny. And you know what? Funnily enough, this is the third time nobody laughed at it also. I'm laughing. But third time ki main baat bata dun, aapne private jet ki baat kahi. Janab, season tha pehla ISL ka. Aur hum kaam kar rahe the Star Sports ke liye. Theek hai? Private jet pe gaye the. I love you, Star Sports. I love you. Not really. But the thing was ki hum log the Guwahati mein nahi the. Hum log the Kerala mein. और हमें अगला दिन गुवाहाटी पहुंचना था देयर वाज नो डायरेक्ट फ्लाइट एंड वी हैड अ गेम नेक्स्ट डे एट 6 पीएम तो क्या हुआ बिकॉज द शेड्यूलिंग वाज सच कोची से गुवाहाटी आदमी लेस देन 24 आवर्स में नहीं पहुंच सकता फॉर अ नेक्स्ट डे 6 पीएम गेम तो हमने अगले दिन मैच खत्म करके कोची में हमने सुबह पकड़ी है प्राइवेट जेट द अंबानी प्राइवेट जेट वाले टी शर्ट पहन के आए हैं जो लोग ब्रश नहीं करके आते थे फ्लाइटों के लिए बिकॉज कम ऑन लाइक मच लाइक द आईपीएल द आईएसएल वाज आल्सो अ ग्रूलिंग शेड्यूल सो योर इट्स ओके पंडित इट्स ओके डोंट मेक एक्सक्यूजेस ब्रो इट्स ओके नो ब्रो दैट्स नॉर्मल ब्रो अपने तो वो सीन है बट मैं कह रहा हूँ जो सो यू आर प्रीटी मच कैचिंग अ फ्लाइट एवरी 24 आवर्स और 36 आवर्स हाँ एंड सो बाय द एंड ऑफ इट इमेजिन इफ यू कैच 7 फ्लाइट्स इन द स्पेस ऑफ 12 डेज यू हेट द एयरपोर्ट You hate the entire security check. It just gets very taxing on you. So by the end of it, you're like, screw it. I am getting up in the morning. I'm not having a bath. I'm not doing anything. I'm just going straight to the airport so I can make those 20 minutes of extra sleep. ठीक है? पर उस दिन सब नहा के आए हुए थे भाई. खुशबूएं लगी हुई थी. हाँ, sunglasses पहने हुए थे लोगों में. सब लग रहे थे बड़े फूफा. पर असलियत ये हुई कि जैसे ही private jet पे पहुंचे और अंदर जब हमें नाश्ता सर्व हुआ इन वेरियस ट्रेस सब ऐसे टूटे जैसे कि गरीब शादी पे टूटते हैं और वहीं सबकी असलियत बाहर आ गई इतना खाया जो अंदर की जो एयर होस्टेस थी वो भी कह रही होगी ये कौन है ये राक्षस हु आर दीज पीपल सो यू नो बट नॉनदरलेस वी रीच गुवाहाटी बाय अबाउट 4 पीएम वेंट टू द होटल quickly had a bath and went straight to the stadium for the game that day in Guwahati.
So I have a slightly different private jet story. You know, when they do the FIFA World Cups, the semi-finals are on one day after the other, consecutive days. So, Brazil mein kab hua tha World Cup? 2014. So the first semi-final, I think if I'm not wrong, was in Sao Paulo, and the second one was in Rio. Belo Horizonte. Was it in Belo? Belo. No. I don't think so. Because Belo, that was the quarterfinal where Brazil lost to Germany 7-1. That was the semi-final. They lost in the semis. Okay. Yeah, bro. Okay, sorry. So then, where was I going? Anyway, I've forgotten something. Anyway, I was going to the venue of the next semi-final, because like you said, it's the next day, and you have to be at the venue and you have to file stuff and whatever is going on, and flights were ridiculous. I mean, I could have bought a plane for the amount that the flight tickets were costing. And I knew that there were a bunch of friends there who actually had their own plane. And they were also going to the next game. After the game, I left immediately, headed straight to the bus station. And like me, there were, I suppose, 50, 60,000 people at the bus station. Everyone is trying to get to the venue of the next game and figure out tickets and all of that. Managed to get a ticket on some bus an hour later. Meanwhile, I'm furiously texting these guys. No response. Get on the bus and I get... Now imagine, this is a packed bus. I think it must have been a 50 capacity bus. And the road transport is quite popular in Brazil. It's a big country, but I think unlike India, train travel itna nahi hai. Wahan pe bus travel zyada hota hai. तो भरी हुई बस है और बस में है बाथरूम और भाई साहब को सीट बस में बाथरूम हाँ होता नहीं जैसे बस में टॉयलेट ओहो बड़े गंदे होते हैं यार वो बदबूदार वाले यस सर और तो बस में जब 50 कैपेसिटी वाले बस में इन्होंने भर रखे हैं 100 फुटबॉल फैन और भाई साहब को मिली सीट हमने खाया होगा क्या क्या निकाला होगा मत ही पूछो मुझे मिली सीट बिल्कुल बाथरूम के बगल में The bus leaves the bus station. We go out about maybe 10 minutes, 15 minutes. And it's like, by then it's dark. It's almost the middle of the night because the game starts in the evening. So it's about 10, 11 p.m. And as it is, the bus station was like somewhere far out. And we're out of the city now. So there's no way for me to get off, turn back or anything. There comes the text. Yeah, bro. We're leaving in the morning. But before that, why don't you join us at our hotel for a bit of dinner and a party? And we've got extra room on the plane. And I wanted to go into that toilet and jump in the pot and flush myself. Anyway. This is a heartbreaking story. आपने टॉयलेट की यहाँ पे बात करी. एक कहानी बताता हूँ जब मैं दिल्ली अंडर 19 खेलने जा रहा था केरला संत उसको कहते हैं बीसी रॉय ट्रॉफी कहते हैं उसको आई थिंक अभी भी बीसी रॉय ट्रॉफी है और तब हमारे कप्तान थे टीम में थे हमारे भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री वो भी थे और हुआ क्या कि आपने ट्रेन में हमें डाले और ट्रेन तब केरला तिरुवनंतपुरम वाली फ्रॉम निजामुद्दीन टू तिरुवनंतपुरम इन दिल्ली यूज्ड टू बी क्लोज टू 38 आवर जर्नी और 42 आवर जर्नी ठीक है भाई साहब इट वाज इन पीक समर्स ब्रो इट वाज इन मई हाँ मई में आप निकले हो ऊपर से वहां पहुंचे अंदर पहुंचा कि वहां पे सीट की बुकिंग ही नहीं हुई है कॉन्फर्मेशन नहीं मिली है तो क्या किया यहाँ पे आपने 42 घंटे आपने 7 लड़कों को सीट दिए अंदर बर्थों में और बाकी सब बाथरूम के बाहर गद्दे लगा के लगे हुए हर कोच के बाहर एंड बाय द एंड ऑफ इट उस 42 घंटे की जर्नी के बाद सब ने ढाई ढाई किलो तीन तीन किलो सबके घट गए फट गई यार इतनी गर्मी में आप बैठे हुए हो और फिर आप गए हो खेलने लकीली वी हैड 2-3 डेज ऑन अस सो वी केम बैक इनटू यू नो नॉर्मलसी एंड यू नो वी वेंट इन ट्रेन हैविंग सेड दैट दिल्ली वाज नेवर गुड इन दीज एज ग्रुप टूर्नामेंट्स आई थिंक एट दैट टाइम दे वर नेवर रियली गुड नाउ दे बिकम अ लिटिल बेटर बिकॉज नाउ दे स्टार्टेड दैट नॉर्थ जोन सिस्टम
तो सीधा आप ऑल इंडिया में नहीं जाते, तो आप नॉर्थ जोन में आप क्या है, पंजाब है, दिल्ली है, टू सम लेवल हिमाचल है, बट बाकी सब टीमों को आप बीट कर सकते हो. एंड वंस यू प्ले इन द नॉर्थ जोन थोड़ा आप मोमेंटम बना लेते हो, मोमेंटम बनाने के बाद फिर आप अगर फाइनल राउंड में जाते हो तो फिर ठीक है, फिर जो भी है. तो ये थी एक कहानी. आपने बाथरूम की बात करी, तो जो अलग अलग के जो स्मेल आ रहे थे ना नाक में, और मैं उस टाइम पे ना मैं बड़ा वो था, मैं चॉकलेट बॉय था, मैं बोर्डिंग स्कूल का लड़का था, मैं कभी पब्लिक स्कूल वब्लिक स्कूल नहीं गया हुआ था, ना मैंने कपड़े वपड़े अपने धोए हुए थे ये सब. तो मेरे को फुटबॉल का चस्का था और मैं फुटबॉल खेलने चले गया और वहाँ पे मैं टीम में सिलेक्शन हो गया. मेरी माँ आ रही है मेरे छोड़ने के लिए वहाँ पे स्टेशन पे, और सब बच्चे मेरे को देख रहे हैं, ये कौन सा लड़का है, इसकी माँ है, इसको छोड़ने आ रही है, सैंडविचेस दे रही है उसको, है? और मेरी माँ को नहीं पता कि मैं बाथरूम के सामने सोने वाला हूँ वहाँ पे बैठ के 42 घंटे. मुझे भी नहीं पता था, सरप्राइज हो गया था, बट ठीक है यार, चलता है सब. तो ये तो सब हो गई, चलो आपकी खिलाड़ी दिनों की बातें हैं, अब आए जरा मुद्दे पे, विच इज लाइफ एंड टाइम्स इज अ क्या कहते हैं इंट्रेपिड पेवमेंट पाउंडिंग फुटबॉल जर्नलिस्ट. पेवमेंट पाउंडिंग, हां, सिंस वैभव हैज बीन स्टूडियसली साइलेंट आफ्टर प्लेइंग दैट वंडरफुल ओपनिंग ट्रैक फॉर अस, बिकॉज़ ही इज एंजॉयिंग द कन्वर्सेशन ब्रो. डीजे, आई एम द फर्स्ट व्यूअर. 429 more to go. 490. So 419, sorry, हाँ. अच्छा हुआ भाई आप आप आपको फुटबॉल का चस्का लगा हुआ था, क्योंकि मैच का नहीं लगा क्योंकि SRCC में तो कुछ होने नहीं वाला था. कुछ हुआ भी नहीं भाई, एक साल ही चला, उसके बाद उन्हें भी बोल दिया आप जाओ सर. बस. वैसे आपने सॉरी मैं आई नो वैभव को दे रहे थे SRCC में 90-90% लोगों के आते थे तब वो उस कॉलेज में घुसते थे. मेरे कॉलेज मेरे स्कूल में आए 56%, वो भी फिजिकल एजुकेशन के साथ. ठीक है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में तो 95 या 99 आया होगा. हाँ, तो उसके साथ मेरे 56 आए टोटल में एवरेज के बेस. उसके बावजूद मैं SRCC में स्पोर्ट्स कोटे में घुसा हूँ फुटबॉल के उसमें, और मैं खेला हूँ एक साल वहां पे, और मैंने पढ़ाई करी BCOM ऑनर्स में. I vividly remember when I was in the class, the teacher asking, and I don't know, there was a very weird man, the teacher asking how much you get in the boards to introduce yourself. So say your name and tell us how much you got in the board, which was bloody weird, man. So it's going 94, 92, suddenly comes 86 and everyone, there's like pin drop sign. Oh, and suddenly one person lands saying 56. And then the teacher looks and says, sports quota. Like, yes, ma'am, sports quota. Having said that, तो एक साल लास्ट किया वहाँ पे और फेल हो गए, पास होना ही नहीं था भाई क्योंकि क्लास में कभी गए ही नहीं थे वहाँ पे. बट मेरे जो रिजल्ट आए ना, क्योंकि मुझे पता था कि रिजल्ट आने वाले, भगवान ने कहीं से देखा है, क्योंकि एट दैट टाइम माय मदर वाज वाचिंग अ फिल्म इन अ हॉल. सो आई कॉल्ड हर एट दैट टाइम, शी सेड अर्जुन आई कांट टॉक, जस्ट टॉक आराम से. आई सेड अच्छा माँ आई फेल्ड. अच्छा ओके, वी विल टॉक लेटर. सही, सो या सही है. तो आपने कोटे वाले बात अब आपने करी दी है, तो ये दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ एक्चुअली द एटीट्यूड स्पेशली इन एलीट इंस्टीट्यूशंस टुवर्ड्स पीपल दैट कम इन विद कोटा, ना कि आप तो कोटा से आए हैं, क्या आप पढ़ने लिखने लायक या हमारे साथ कमरे में बैठने लायक ही नहीं है. कहानी बताओ जनाब आप कोई. वैभव, व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद दिस, वैभव, हाउ कम यू आर इन क्वारंटीन विद संदेश झिंगन? Yes, Sandeesh is in recovery. He's where is Sandeesh? Yeah, call him to say hi to us. Sandeesh. He's coming. He's coming. एक बार आ जाइए. And very nicely, he's also making his bed. थोड़ा पीछे जाइएगा, लेकिन पास से आप नहीं देखेंगे. बस अब चल के आइए. Very good, very good.
So how are you aiding Sandeesh in his rehab and recovery, man? Tum to sara busy. As you guys know, as about like 30 of our viewers will probably know, they'll remember at least. I had also torn my ACL last year around this time. So I have experience of sitting at home alone and being locked in, being in quarantine. So Sandeesh is here because, well, he can't live alone, you know. So he has to learn. Seekhna padta hai, seniors. Plus, Kerala Blasters also learned to live alone without trophy. So, yeah. Oh, much like the football club you two love. You too. So, to aap kaun si club ko follow karte hain aap? Sir, aaj kal club nahi hai. Mera, hamara hi club hai. Hum Arsenal ke followers hain. Aur chalo, jo bhi hai, kuch nahi jeete, koi baat nahi. Lage rahenge. Wohi to asli maza hai club ko follow karne ka. Chaliye. तो आगे बढ़ें फिर 420 ग्राम्स की जो शुरुआत हुई थी पहला एपिसोड जो हमने डाला था एटलीस्ट यूट्यूब पे जो डाला था वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग सुनील छेत्री पे ट्रिब्यूट था व्हिच इज इंटरेस्टिंग बिकॉज़ पंडित आल्सो योर फर्स्ट इंटरव्यू ऑन विद वन ऑफ दीज बिग ब्रॉडकास्टर्स वाज विद सुनील छेत्री टेल अस अ बिट अबाउट दैट यस फैम माय फर्स्ट एवर जॉब वाज विद जी स्पोर्ट्स उससे पहले बता दूं कि मैं वो लड़का था कि पढ़ाई कुछ हुई नहीं है माँ बाप थोड़े बौखलाए हुए हैं कि फुटबॉल में चला नहीं क्योंकि मैं खेलने वेलने गया था वहाँ पे हुई नहीं बात तो वापस आ गए हैं तो बात चल रही थी लुफ्थांसा पे क्योंकि वहाँ पे कोई जान पहचान के लोग थे तो लुफ्थांसा में मैं इंटरव्यू भी करने गया हूँ और वो कह रहे हैं कि यू कैन बी वन ऑफ दोस गाइस हु इज पुलिंग द बैगेज इन थ्रोइंग द बैगेज देन डूइंग दिस एंड दैट एट द एयरपोर्ट And I got scared, bro. I said, no, this can't be me. And, you know, whatever. And those guys there in Lufthansa and much whatever their scene is. Are you, you can get transferred to Munich and so on and so forth. I said, this is not my scene, bro. So finally, I mustered the courage to go and tell my parents. And I said, look, I want to do something in football, in sports. So if you know someone, please, let's talk. Tumha wahan ke phone lage Zee Sports pe. Zee Sports में फोन लगे उन्होंने बात करी माय डैड टोल्ड द पर्सन दैट दिस बॉय हैज नो ब्रॉडकास्टिंग नॉलेज हैज नो ब्रॉडकास्टिंग एक्सपीरियंस ही इज नॉट डन एनी कोर्स एनी एजुकेशन ऑन दैट साइड बट ही इज प्लेड फुटबॉल एंड ही इज प्लेड एट अ डिसेंट लेवल ही नोज इंडियन फुटबॉल प्लीज गिव हिम अ शॉट कीप हिम एज एन इंटर्न कीप हिम एज योर लोएस्ट पेड इंटर्न फॉर ऑल आई केयर आई डोंट केयर एंड द गाय इंटरव्यूड मी आई सेड सर आई एम रेडी एंड आपको जो कराना कराओ यू नो तो उस बलबूते पे मेरे को वहाँ पे जी स्पोर्ट्स में डाल दिया गया मेरी तनख्वाह थी 9,000 रुपए में तब भी जी स्पोर्ट्स उसमें भी टीडीएस सर टीडीएस कटता था 5,999 रुपए नॉट इंटर्न एम्प्लॉय बट इंटर्न लेवल राइट घुमा फिर आके वहाँ पे मैंने 6-7 महीना काम किया फाइनली इंटरव्यू करने का टाइम आया तब सुनील छेत्री जनाब तब तक इंडियन टीम पहुंच गए थे क्योंकि वहां से जब तक हम एक साथ खेल रहे थे फिर उसके बाद वो मोहन बगान फिर जेएसटी गए और जेएसटी से उन्होंने अपना इंडियन टीम में रास्ता बना लिया था जेएसटी लाइक पंजाब पोल्स तो फर्स्ट इंटरव्यू वाज व्हेन दीस बॉयज वर इन द्वारका इन इंडिया इन दिल्ली फॉर अ कैंप एंड दिस वाज जस्ट बिफोर सुनील एंड जेजे वर अबाउट टू गो टू रेंजर्स फॉर अ ट्रायल इन स्कॉटलैंड एंड आई लैंडेड अप देयर फ्रॉम आई वाज वर्किंग विद एनडीटीवी एट द टाइम आई हैड लेफ्ट जी स्पोर्ट्स 3 साल काम करके वहां से जी स्पोर्ट छोड़ा गया मतलब जी स्पोर्ट बंद हो गया रिसेशन टाइम आ गया था उस टाइम रिमेंबर द बैड रिसेशन दैट टुक प्लेस फनी वी आर टॉकिंग अबाउट इट नाउ बिकॉज़ पीपल आर सेइंग अ इवन ग्रेटर रिसेशन माइट टेक प्लेस नाउ एंड सो लैंडेड अप देयर एंड तो पहला इंटरव्यू किया यहाँ पे सुनील मेरे साथ खड़ा है सो जनरली व्हेन यू डू एन इंटरव्यू ना यू डू एन इंट्रो अ स्मॉल लिटिल इंट्रो एंड देन यू गो टू द गाय यू इंटरव्यूइंग उस स्मॉल इंट्रो में मैंने शुरू किया और मेरी आवाज दबी हुई थी ऐसी कुछ आवाज आ रही थी बाहर तो सडनली आई वेंट लाइक दैट एंड सडनली सम गाइस सेड स्टॉप एंड इट वाज मी इट वाज सुनील हु टोल्ड द कैमरा पर्सन स्टॉप बिकॉज़ इट वाजंट लाइव एंड ही लुक्ड एट मी लाइक भाई क्या हो गया डर क्यों रहा है इतना ज्यादा मैंने कहा यार भाई फर्स्ट इंटरव्यू है क्या करूं थोड़ा बहुत है लाइक नहीं डू इट अगेन थोड़ी मस्टर्ड अप द करेज एंड व्हाटएवर इट मे बी इट वाज नाइस ऑफ हिम मस्टर्ड अप द करेज इट वाजंट द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटरव्यूज बट इट वाज बेटर देन दैट फर्स्ट टेक And I'm guessing that is why a lot of these players love him, man. Because he's got that thing in him, na, bhai. He's there to help you yeah. in whatever way, capacity or possible. And it's something very honest, you know. Wo sachai hai kahin na kahin.
तो मेरे साथ वो पहला इंटरव्यू था सुनील के साथ. उसके बाद उसको काफी टाइम स्टूडियो बुलाया है, उसके काफी इंटरव्यूज करे हैं. एंड नाउ दैट चेंज केम इन वंस आई वेंट टू स्टार, आई स्टार्टेड डूइंग क्रिकेट. तो एक पता नहीं कहीं ना कहीं से अपने आप एक छाती थोड़ी चौड़ी हो जाती है. एंड या सो आई कीप मीटिंग हिम एंड व्हेनेवर आई मीट हिम ही इज लाइक रिमेंबर दैट इंटरव्यू सम टाइम ही सेज यू नो एंड नाउ लुक एट यू, जहां देखो बकवास कर लेता है. क्या बात है. वैसे फैक्ट चेक, बिकॉज़ आई थिंक आई वाज आल्सो देयर फॉर दिस इंटरव्यू एट द्वारका. आई थिंक इट वाज व्हेन ही वाज गोइंग टू कैंसस सिटी, नॉट द एंजल्स. नो, नॉट, देयर इज नॉट द कैंसस वन भाई. वो जो आपके साथ रेंजर्स वाला था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था. नहीं, वो जो वहां पे पटेल ने किया था फुटबॉल हाउस में जो किया था उसकी बात नहीं कर रहा हूं. नहीं, फुटबॉल हाउस की बात नहीं कर रहा मैं, द्वारका की बात कर रहा हूं. द्वारका नहीं, नॉट द्वारका ब्रो, दिस इज नोएडा में जो ठहरा थे ऑफ द टोल, जो होटल होता था वहां पे, Lemon Tree, which is the favorite haunt of the national team. Sorry. All right, Vaibhav, how's your 420 journey been, man? And don't talk about this show, huh? It's good, yeah. Like I always enjoy listening to a little bit of 420. I always enjoy a little bit of 420 in the afternoon. I put it on. I mean, what are you trying to say? Ki aap Sunday ka tel, I put it on. Tel lagane ke baad. I think I feel like I started my first assignment for football must have been the way that perhaps a lot of footballers also start with football, which was the Subroto Cup. Oh, yeah. So I remember covering a few versions of that event. And it used to, I mean, when I was covering it that year, it was at the Ambedkar Stadium. And it was a really it's fun always event. Been at the Ambedkar. It's changed many times. Is it still at the Ambedkar Stadium? Always been at the Ambedkar. Yeah. So there'd be this like little meso crowd. Like, I don't know how they would turn up, man. Like, but there was this thing they used to come from Mizoram house. It'd be like about 20, 30 of them. In fact, one of the girls from that Mizoram crowd is, I know her as a friend. And I remember the first time I saw her at a football game was then. And I was like, you watch football? She's like, no, we just come together. This is a carnival for us. So that was kind of also a really nice thing. Which is also something that repeated itself in 2017. Which is definitely like the coolest moment I've ever witnessed in Indian football, which was when Aizawl won the title. I don't know if you were there at that stadium or not in Shillong, but that was like, in fact, I remember itna bheed tha us din ki stadium ka rasta is like you go down the hill, right? And the stadium is down the hill. And we were driving, there were three of us, three friends, two local boys, me. And we were in a car and we were driving and it's jammed. The road is jammed. Matlab bhara hua hai, log chal ke ja rahe hain, gaadiyon ka jam hai. And this friend is like, bhai, I've never seen a jam like this, like for a football game. And we were like, okay. And then I kept asking them, listen, should we run? Should we just get out of the car and go to the stadium, walk to the stadium? They're like, nee, don't worry. And I clearly remember, suddenly from the left, Renedi Singh is running down. And I was like, dude, wait a minute. Renedi is running. I think he should run. It was like a really funny. And behind Renedi was Michael Chopra. So I remember that being like a. And it was a crazy game of football also. So that was Chops also running, or was he doing a gentle jog? Who, Chopra? Chopra was just rolling down. No, but it's a rookie mistake, man. Vaibhav, I would have thought you had done better, man. Aizawl going to the stadium, always on a motorcycle. Gaadi, yeah. Fancy log. Yeah, I didn't. Four-wheeler. Gaadi mein pre-gaming bhi hoti na, janab. Wo bhi to alag maza hai. Listen, we'd had a heavy lunch, okay? Humne kareeb 2:30 baje lunch khana shuru kiya tha. और हम 5:30 बजे तक खा रहे थे. तो बेसिकली कौन था इस समय आपका कमिश्निंग एडिटर?
बताएंगे उसको लंच के चक्कर में मैच कैसे मिस हुआ. I paid for my own lunch, guys. I paid for my own lunch. चलिए सही है. और बताइए, आप बताइए कुछ कहानी, आप बताइए कुछ कहानियां. आप काफी वैसे फॉर ऑल आवर व्यूअर्स आई हैव टू टेल यू the one person who's followed European football and world football and seen it live from stadium is the man with the beard, the medium cut beard, not the full beard, Siddhanth. Janab, kya record hai? Kitne stadium mein match dekha aapne? Kitne final dekhe? Aur kitne bade world cups dekhe aapne? Sir, aise itna kuch hisab kitab nahi kiya hai, but हम लोग एक दूसरे को इतनी करीबी से जानते हैं, इतने सालों से जानते हैं कि कोई मतलब अगर कोई बक करना भी चाहे तो पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल है ही नहीं. तो बता दीजिए जनाब, जनाब बताइए, असलियत बताइए आप. ये फाइनल का पता नहीं मुझे, बट लाइक आई डेफिनेटली हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ विजिटिंग ओवर 150 स्टेडियम्स. ओह शिट मैन, दैट्स इनसेन ब्रो. या ऑन आई वुड से ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंट. अंटार्कटिका में शायद मैं गया नहीं हूँ, बट वहाँ पे पेंगुइन प्रीमियर लीग में भी चले जाएंगे आप एक दिन तो कभी ना कभी. हाँ, मतलब जब अगर दक्षिण गंगोत्री में कभी फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज करें तो हम PPL. तो जनाब, आपकी मोस्ट मेमोरेबल मेमोरी फ्रॉम कवरिंग फुटबॉल आउटसाइड ऑफ इंडिया कौन से स्टेडियम में आई है और कौन से टूर्नामेंट में आई है? Interesting. Actually, well, memorable तो एक काफ़ी मुश्किल होता है यार बाहर जाके फुटबॉल कवर करना अगर आप थोड़ा क्या कहते हैं ब्राउन इंडिविजुअल हैं. तो ये नया थोड़ा फिनोमेना है कि इंग्लिश मीडिया जो है, यूके बेस्ड मीडिया, वहाँ पे यू कैन सी सम पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पाकिस्तानी ओरिजिन नाउ गेटिंग. बट अदरवाइज जो स्पोर्ट्स, मनीष पसीन एंड फैमिली, प्रीमियर लीग फैन शो ऑल्सो. Yeah, she worked on the ISL in the first season. First couple of seasons maybe. Yeah. So, बहुत काफी lonely जगह होती है यार ये. मतलब सबसे पहला जो एक मुझे brown लड़का मिला, तारिक पंजा के नाम से, he British guy. उस समय I think he was writing for the Guardian. I think, I'm not sure. But now he's with the New York Times as a global football correspondent. तो मैं तो लिपट लिया. थोड़ा कंपनी तो मिले, बट इट्स लाइक इट्स नॉट अ वेरी फ्रेंडली प्लेस यार, द प्रेस बॉक्स ना. इट्स अ बंच ऑफ यूरोपियन मेन खड़े होते हैं. या इट्स अ बंच ऑफ यूरोपियन मेन इन देयर ओन लिटिल सर्कल्स. द इटालियंस विल चैट विद द इटालियंस इन इटालियन एंड द जर्मंस विल डू द सेम इन जर्मन एंड द यूके द इंग्लिश प्रेस. तो वहां तो देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ क्लास, क्या कहते हैं, क्लास डिवाइड. तो देयर आर द ईटन एंड हैरो बॉयज हु and then the Oxbridge boys who write for the liberal papers like the Manchester Guardian and such like, jinse to aap baat hi nahi kar sakte kyunki unke jo pop culture reference first sentence mein jo aate hain wahi aapko samajh mein nahi aayega to aage kya karenge. So basically it was a lot of years of just sticking at it kyunki football ka chaska tha aur hum lucky the ki jo hamare editor log the us time वो उनके हिसाब से भी देयर वाज सम इम्पोर्टेंस इन कवरिंग फुटबॉल एंड हैविंग एन इंडियन पर्सपेक्टिव एट दीज काइंड ऑफ मेजर गेम्स. सो या दैट इज एसेंशियली इट. बट ऑफ कोर्स फॉर मी पर्सनली एज अ फैन, नथिंग बीट्स द बैक टू बैक एफए कप फाइनल्स एट वेम्बली स्टेडियम.
watching Arsenal. छोटी सोच ये है. ये ना आर्सेनल वालों की ना ये छोटी सोच है. And then, जनाब मैं भी आर्सेनल का फैन हूँ. ये एफए कप में आप कैसे खुशी ले सकते हो यार, हद हो गई है. अरे क्योंकि मतलब वही बात होगी, ड्यूरेंट कप जीत लिया आपने, वहाँ पे खुश हो गए आप. यार तो मतलब मैं था स्टेडियम पे, अब क्या करें. मजा तो आया. क्या करें. That was one, and then secondly, the day I could have retired, become a multi-millionaire, when France beat Croatia in the last World Cup final. That was a super. I mean, I thought actually that tournament, the tournament in Russia, by far, maybe it's because Russia is mostly an Asian country and a lot less European in terms of how it is. But in terms of covering a tournament for as an outsider, a rank outsider, a non-European, and without a big toli of people to travel with, as such, the Russia tournament was by far the most fun. Interesting. Also, like, agar, because hum origins ki baat karein, toh I have to give a shout out to my brother and a friend of the show, Mr. Renedy Singh, who ran past Weber's car and got to the stadium before he got to digest his lunch. So Renedy was basically my in to the national team. I was doing a desk job at the Hindustan Times, where my job description was chief copy editor or some such. So my job was to come sit at the desk and fix or look at the copy that various reporters were filing and sometimes make pages and such. Because आपकी language अच्छी है. हाँ, well हाँ, ठीक ठाक. तो मतलब I suppose because it's an English newspaper and in comparison to the rest of the reporters, yes, I was hired because the editor at that time, Kadambri Murli, one of fantastic cricket writer and one of the sports journalists we look up to here. She said, can you write two sentences back to back without any grammatical errors? So I'll try. So I wrote two like five word sentences. She said, hired. So ye tha baki desk ka haal. But to is karan mujhe naukri mili kyunki baki desk ka thoda bura haal tha. Naukri mili to fir uske baad thoda hum bore ho gaye baithe baithe desk pe. Kiya main dekh raha tha ki koi जो गोल्फ कवर करता है वो गोल्फ कवर करने जा रहा है, क्रिकेट वाले तो घूमते रहते हैं. जो हमारे क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे उस टाइम वो तो कभी ऑफिस आते ही नहीं थे. कमीन ने हम क्यों बैठे हुए हैं, क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कौन सा स्पोर्ट हो रहा है, यहाँ तो सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं सब लोग. सो फिर रेनेडी बिकॉज वो उस समय एक हमारे बैचमेट थे, एक्चुअली हिज ब्रदर वॉज अ बैचमेट ऑफ योर्स एट SRCC, ज्ञानेंद्र कार्की. So, because Gyan was very close to Renedy Singh, back in the day, Renedy would come to college to when he was in town just to play, train a little bit, friendly games, whatever, and then we would go out for a meal or something like that. Dug up that connection and went to AIFF house one day, and he was getting out of the elevator and I was getting into the elevator. So I said, bhai, main tere se hi milne aaya hu. He got back in the elevator. And since then, I mean, we've been, So, ये तो है भाई. ये Renedy Singh की ये बड़ी खास बात है यार. ये मैं, I mean, even I've come across a lot of footballers and not just footballers, top level sportsmen. And there's something about Renedy Singh, man. You know, कि if you're a friend of the show, you're a friend of the show, bro. There's no other thing involved. Yeah. There's a lot of other people, क्या होता है कि you know there are a lot of layers and levels कि इस लेवल पे क्या है वो है ये है, but Renedy Singh is not that. It's just I can crack a joke and pull his leg right now. Yeah. You can do the same. Vaibhav can do the same. Yeah. And it's basically like four friends chatting on the show. And to imagine that we're talking to a guy who's played for the country for 18 years, who's captained the country, and who honestly, if you talk to any ex-player and you talk to any current players, he is much loved in the circle, bhai. तो हम करते रहते ना कोच की बात. आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ रेनेडी कंटिन्यूज हिज कोचिंग ग्राफ एंड इफ वन डे रेनेडी सिंह इज कोच ऑफ द नेशनल टीम, अगर वो दिन आएगा. आई डोंट थिंक दैट डे इज फार अवे, एंड इफ ही नीड्स अ मीडिया मैनेजर देन ही कॉल अस. मेबी मेबी नॉट. कनेक्शन कर लिया, कनेक्शन. उसमें थोड़ा डाउट है, बिकॉज़ उसको भी पता है हम काम करने के चक्कर में थोड़ा ढीले हैं.
और हम हम सच बोल देते हैं वहीं पे खोल के या बट नो सो तो देन थ्रू रेनेडी तो वंस यू आर फ्रेंड्स विद रेनेडी देन तो एवरीवन ऑल एल्स आल्सो एक्सेप्ट्स यू लाइक यू आर वन ऑफ अस उन्हीं ना तो इट्स ट्रू सो आई मीन द मेमोरीज द स्टोरीज दैट हैव कम फ्रॉम देन बट आई मीन एंड इट्स एक्चुअली वी टॉक अबाउट व्हाट हैज बीन फॉर मी द मोस्ट इनक्रेडिबल एंड एट द रिस्क ऑफ गेटिंग अ बिट ओवर इमोशनल don't cry I'm not going to cry maybe I will who knows but the most incredible thing has been to get a chance to meet some of these players icons legends whatever you want to call them people who we've idolized all our lives you know whether it's guys like I know he's a United player but a guy like Oliver Kahn or Lizarraz who we were talking about earlier who's European Championship World Cup Champions League winner who's been on the show as well just meeting all of these footballers Thierry Henry a guy who Patrick Vieira guys who we would have done anything to you know see live so that, forget about having a conversation I think you since you brought up Thierry Henry I think you're one of those few people who's has a very unique experience with Thierry Henry huh? like I feel like you should tell people that Yes, sir. पहले ये सर ये बता दो पहले जैसे मिले आपने उनको बोल दिया पायलागू बोल दिया कि पैर छुए सर पायलागू सर मैं वो नहीं कर सकता था ना because that's why this what Vaibhav is brought up because this is a very fine tradition that US sport has कि मैच के बाद वो प्रेस को ना they let the press locker room में ले locker room right हाँ तो मैं करने ही वाला था पैरी पोना but हुआ ये कि भाई साहब ने कुछ पहना ही नहीं नंगे ऑनरी तो फर्स्ट तो माय जॉ वुडंट गेट ऑफ द फ्लोर ओनली सो देयर वाज नो स्कोप फॉर मी टू बेंड डाउन एंड ट्राई एंड डू एनीथिंग प्लस आई डिडंट वांट टू फ्रीक हिम आउट राइट मैं ये चुपचाप एक सवाल बहुत खुश हुआ अलग 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 ही गोल मार देते वो अगर आप ऐसे करते तो ये तो इंटरनेशनल वाले लोग हैं यार बट तो फ्रॉम देयर ऑन एंड लाइक ऑल दीस गाइस आर दे ऑल वर्ल्ड कप विनर्स मैन इट्स नॉट दे हैव अचीव्ड everything in the sport that they can of course they are also like in terms of cash money they are multimillionaires but I find that there's a sense of like and still remembering where they come from even Sunil for example you talk about Sunil yeah, earlier yeah. and how I remember at the 2017 yeah the under 17 world cup final right I don't know how it so worked this is out. Sunil At the Sunil he is now. Is that Sunil? Basically? Yeah, yeah, that's the Sunil that he is now. And it, so he gave me a ride into the stadium. We were going to watch the game. So he's like, "Haan, aaja saath mein chalenge." So of course, Sunil Chhetri being Sunil Chhetri, one of the ambassadors for the tournament at the time, captain of India, most popular, whatever. So you know, he had that nice big hospitality vehicle with access all the way to the stadium entrance. And main bada khush. पीछे सोनम और सुनील बैठे हैं ये वो वाले लोग हैं नहीं वो तो जो सेलिब्रिटी के साइड में छाप छोड़ की जगह हैंगर्स ऑन बेसिकली या एग्जैक्टली व्हाट अ बास्किंग ऑफ द ग्लोरी ऑफ योर सराउंडिंग्स आई गेस व्हाटएवर या सो एंड इट वाज अमेजिंग इट वाज अकॉर्डिंग टू सोनम सुनील्स वाइफ शी वाज सेइंग इट्स द फर्स्ट टाइम शी हैज बीन टू अ फुटबॉल गेम with him as such and coming out after the game you know how it happens in Calcutta right when they know that there's a legend and they are coming out of the locker room and heading back to their transport and going out they all line up over there and they are chanting and all that stuff right so there were 10,000 people chanting for Sunil Chhetri after the under 17 world cup and this his wife's mind was blown she's like no wonder you guys are so like in love with this whole scene because where else like do you get that kind of adulation that kind of love that kind of respect from tens But of she would know she's a Calcutta girl through and through her father's in the system her father no, her father is like one of the yeah she so I guess she knows but maybe she's never seen it like that first hand or whatever for her husband yeah but and for her husband yeah so that level of pride or whatever yeah so I mean, so even just for Sunil to say, you know, without a second thought of anything, just ki haan, we're heading to the same place. I have room in my car. Just hop in. We'll go together. You know, there's no second thought involved in the process. So
it doesn't matter who it was. It happened to be me. But it could have been any of us, and I'm sure he would have offered the same. So that humility and like that, just being a normal guy. That remains. In fact, we did a cover with him at Sports Illustrated when we were there, and it was the first time any issue Sports Illustrated had a footballer on the cover. The only other one, I think, is Mario Balotelli. And that was Bangalore. That was when Bangalore. When Bangalore won the. That's also like, I mean, actually it's kind of weird because I used to like be a photographer. So I had only started writing about football very recently. Properly. Like I used to shoot a lot of stuff. So actually I also remember, I don't know if Arjun remembers this, but the first ISL game, I remember like Arjun, I may be completely mistaken, but I remember Calcutta. I bumped into you at Arsalan in Calcutta. After that, where you were like stuffing your face with biryani. Bro, that's the ritual, bhai. Bhai, Calcutta gaye hain aur Arsalan mein biryani nahi khayi. Kya kiya phir? It was the South African guy who scored the first goal, like Athletic. That time they used to be called Athletic. Fikru. And Fikru actually it's kind of weird. I kept track of Fikru's career for a bit because I'd got a very good picture of him. He did this backflip and I'd shot that picture he did right in front of me. So, it was a little attachment together. And then eventually, Fikru also went and ended up playing for one of my favorite clubs, Mohammedan. He went and played for Mohammedan in the second division for like a few matches. So, very weird. Yeah. Anyway. Fikru was a character, man. That first season was quite an interesting season, man. And 80 solid team thi yaar. Borja was there and Borja was calling the shots. Luis Garcia, everyone was saying. Yeah, Del Piero, everyone was what saying. I remember I did an interview with Del Piero. And maine kuch cheapness to karne tha bhai. Gandhi type rhyming kari, Anu Malik type rhyming before doing an interview as the interview with Del Piero. Usko kuch samajh mein nahi aaya. उसके एजेंट को कुछ समझ में नहीं आया. मैंने कहा होगी दिवाली हैप्पी लाली ऐसे कुछ हम लेट्स गो टू दिल पियरो एंड दोनों के दोनों हंस रहे हैं. उसके बाद से उसका जो एजेंट है ही डेवलप्ड अ कॉर्नर फॉर मी कि जब भी वो मिलता था मेरे को कम. सो इवन व्हेन दिल पियरो वाज इन मुंबई एंड ही वाज लीविंग फॉर गोइंग बैक टू इटली ही अरेंज्ड आई वाज आल्सो दैट टाइम एट द सेम होटल And he arranged for me to come and chat with the guy. I mean, I had no place to public, I had no publication or anything. I was with the host broadcaster. But I chatted with the guy, asked him how his scene was. And he hated the coach. Jo Delhi ka jo coach tha us time, he hated him. He did not like him one bit because wo usko bitha raha tha. And rightfully so. Because Del Piero, jitna bhi hum usko pyar karte the as a player in his prime, us time pe bhai saab ki taange chalni nahi thi. Aur wo bas matlab aaye the wahan pe. Bas jaise ki a lot of the other... marquee players had come in season 1 of the ISL. So, wo ek alag hi maza tha. Having said that, hum log ISL pe pahunch rahe hain. Main ek kahani banana chahta hu. I had gone, this was the first Nehru Cup in Ambedkar Stadium, 2007. I was a young cub at Zee Sports again. And I was just learning about live broadcast and everything. And so, I was made to be, because I knew football apparently. So, I was made to be the guy who, after the game, does the post-match interviews with the one player, one coach of either team, right? And at that time, it was the opening game. India had played the game. And they lost the game. Versus who, I forgot. And Bob Houghton was the coach. And Bob took the call to drop Sunil, not put Sunil in the playing 11. He was on the bench. He used Sunil in the 67th minute or 70th minute. And it was pretty late by then. And India lost the match. So, I was the young guy who's seen Premier League games and, you know, reporters are coming after the coaches and all. Unse pooch rahe the. Maine kaha, oh, Bob, you must not be happy with the game. Usne jo bhi ek do apne normal answer diye. So, maine kaha, why did you keep Sunil on till the 70th minute? It didn't work. So, I asked him a question and gave him an opinion, which is not good, which is not the way it should be when you're asking a question, right? It should be asking a question. And he just looked at me straight away, dead into my eye. I was a young cub. And he said, are you playing for our team or are you playing for the other team? And meri phat gayi bhai. Mera sab kuch nikal gaya pant mein us time. Because, you know, hum to naye bande the wahan pe yaar.
और उसको यू नो आई वाज आस्किंग वाज सुनील ने गिव सम एक्सप्लेनेशन थिंकिंग दैट आई कुड सॉर्ट ऑफ यू नो सरप्राइज द अपोनेंट बाय कीपिंग वन ऑफ माय टॉप प्लेयर्स ऑन द बेंच एंड पुट हिम एज अ यू नो सो ऑन. उसके बाद से उस जनाब ने मेरे से फाइनल तक बात नहीं करी. वो मेरे से फाइनल तक बात नहीं कर रहा था. हार के मेरे को उसके पास जाना पड़ा. जी स्पोर्ट्स में हवा फट गया. पंडित गो एंड अपोलोजाइज टू हिम. मैंने कहा यार व्हाई द हेल शुड आई अपोलोजाइज टू हिम, आस्किंग अ लेजिट क्वेश्चन ब्रो. पर मैंने जाके अपोलोजाइज किया. मैंने कहा हेलो सर या अपोलोजीज फॉर दिस या. सो समटाइम आई फील बैड फॉर पीपल हु आर पार्ट ऑफ द ब्रॉडकास्ट टीम है भाई, बिकॉज जो असली कहानी होती है ना वो बेचारे निकाल नहीं पाते. बिकॉज यू सपोज टू बी हैंड इन ग्लव एंड विच इज वाई आई लव डूइंग दिस शोज ऑन न्यूज क्लिक. क्योंकि हम तो खुल के बोलते हैं एंड अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो अपने घर से बाहर निकलो और हमारे घर आओ कुछ बोलने के लिए क्वारंटीन में. चलिए चलें तो फिर हसी मजाक तो हमारी चलती रहेगी बट आई थिंक आज का दिन खत्म होने को आया. सो काफी लंबा बकवास कर ली ऐसी. एनी लास्ट स्टोरीज, लास्ट बिट टू स्टोरीज टू ऐड और विश लिस्ट की. वैसे इस साल बाय द वे दर्शकों दोस्तों हमारे दो जन्मदिन होंगे. आज तो 4 तारीख है तो एक तो हो ही गया, फिर जो 20 तारीख का है वो भी होगा. अच्छा मजा मतलब कुछ भी बना लो अपने नाम. So double करेंगे. So between now and then if you want to hear any more of these personal stories we don't talk about the world of football or the system or anything like that but personal stories from any of us. We also have a larger crew of people, Renedy Singh, Ishfaq Ahmed, Mangi, all kinds of people, Jaydeep Basu, hopefully we can get in touch with Novi Kapadia. But if you have stories that you want to hear from us, let us know, write in, and keep showing us the love. Next year maybe you can get us a cake as well or something like that. जनाब वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर दिस. इससे पहले मैं स्टार स्पोर्ट्स पे इंडियन फुटबॉल की बातें करता था और वो सेटिस्फैक्शन कभी आती नहीं थी क्योंकि क्या होता था कि इनवेरिएबली आप असली बात कर नहीं रहे. ठीक है जी. कि मतलब आप कह रहे हो कि चाहे कुछ भी हो जाए आप जी सब अच्छा है, बड़े बड़े अच्छा खेले, बड़ी लड़ाई करी लड़कों ने, चलो जी जय माता दी, लेट्स रॉक. तो यहाँ पे आके ना वो थोड़ी असलियत थोड़ी इट्स लेट्स फुटबॉल वो चले जा रही थी बहुत टाइम से, तो वो मजा नहीं आ रहा था. पर यहाँ पे आके ना थोड़ी असली बात चल रही है. एंड समटाइम्स यू नो व्हाट द थिंग इज, इट मे कम अक्रॉस एज पेसिमिस्ट कि कुछ खुश नहीं है, बट इट्स एन ओपिनियन मैन एंड यू शुड वैल्यू एन ऑनेस्ट ओपिनियन. योर ओपिनियन, माय ओपिनियन, द पीपल आर वाचिंग दिस माइट बी कंप्लीटली डिफरेंट, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ हैविंग अ डिस्कशन एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ गेटिंग वेरियस पीपल ऑन अ शो एंड यू नो talking about various things. I think that for me is the biggest, that for me is the hall. Koi bhi aata hai, no one has to think twice about what they're saying. Aur ye nahi ki koi agenda leke aa raha hai, bas khul ke wo honestly game ke bare mein baat kar raha hai, dil se baat kar raha hai kyunki wo game se juda hua hai for reasons beyond monetary or fame or anything. Yeah, for personal game, uske beyond hai ye sab. Hum sab ke sath hame khel kood se pyar hai. ठीक है, तो आप लोग जो सब लोग घर पे देख रहे हो टिश्यू निकालो और अगर अभी आंसू निकल रहे हैं आंख में तो रो और अच्छी तरह उसको पोछो क्योंकि हम नहीं रुकने वाले. जय माता दी. Yeah, I suppose, and big shout out to NewsClick also for giving us a platform. Yeah, big shout out to NewsClick. Yeah, absolutely, bhai. And for those of you who don't follow the other shows, I mean, there's a lot of good content that we're putting out there on issues like this. I mean, issues that matter to people around this country from a people perspective, right? Stuff that's real and stuff that mainstream media doesn't look at because the mainstream media gets paid not to look at it. Like there's certain freedom in talking, in speaking, honestly, man. There's certain sense of satisfaction that doesn't come across anything. When we talk about independent media, it comes from this place for me that, like, irrespective of मतलब हम एडवर्टाइजर मॉडल एक तो हमारा नहीं है, बट अगर होता भी तो इट वुडंट हैव बीन. आई मीन हाउ इट वर्क्स, ऑफ कोर्स इट्स बीइंग स्टाइफल्ड इन आवर कंट्री टुडे एंड बहुत दिक्कतें हैं. इंडिपेंडेंट मीडिया ऑलमोस्ट बचा ही नहीं है, इसलिए शायद जो भी 2-3-4-5-10,000 लोग हमारा शो देखते हैं
शायद वो इसी कारण से देखते हैं कि क्योंकि हम लोग बात कर पा रहे हैं और हमारे जो एडिटर्स हैं वो हमें नहीं बोलते हैं कि आप ये मत बोलिए वो मत बोलिए क्योंकि कल को आपके पास ऐड आना बंद हो जाएगा. मच लव टू देम. या फेयर इनफ. सो ऑन दैट स्लाइटली इमोशनल बट जनरली बॉयंट एंड optimistic note. We'll can I say one last thing? Only if it's a really bad joke. No, it's not a bad joke, bro. It's just another emotional self publicity. कि जो लोग ये show देख रहे हैं comments में बताओ what has been one of your favorite shows over the last couple of years or something or favorite moments or what do you like about this show so that we can really massage our egos. क्योंकि हमारी बीवी ने ना हमारे डंडे दिए हमें यहाँ पे घर पे बैठ के 10 दिन हो गए हैं और उन्होंने भाई साहब बुरी तरह यहाँ पे हमें बैंत मारी हुई है आप मानोगे नहीं. तो हमें कुछ चाहिए कि हमें दिलासा मिले टू फील नाइस अबाउट आवर सेल्स एंड फील नाइस अबाउट आवर लाइव्स. क्योंकि मुझे अभी कॉल आ गई मुझे पोछा मारना है बाथरूम में. अच्छी बात तो मेरा जाने का टाइम आ गया. अच्छी बात है. चॉकलेट चॉकलेट बॉय सब चॉकलेट. If I think if the patriarchy is to be smashed, then शुरुआत हमारे घरों से ही करनी चाहिए. No better place than झाड़ू पोंछा, है ना? भाई फिनाइल फिनाइल का मिक्सचर बन गया, जा रहा हूँ मैं. Very good sir. The hero. All right, we'll wind this up. Thank you very much for joining us. Happy birthday to you guys. Happy birthday Vaibhav. Happy birthday Pandit ji. And we will see you guys again soon. Happy birthday to all of you also because when it's 420 Rams' birthday, it's all about it. Thank you for watching. Payment bhijwa dena. We'll see you again next week. Goodbye.